नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिष्टु राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। डिप्टी CMO की टीम का झोला छाप डॉक्टरों की दुकान पर छापा, 6 दुकानें सील। जनपद इटावा के बसरिया चौबिया थाना क्षेत्र के ग्राम बीना में झोला छाप डॉक्टर के द्वारा लगाई गई इंजेक्शन से 3 वर्षीय बच्ची राधिका की हुई मौत से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन झोला छाप डॉक्टरों दुकानों पर छापेमारी कर उनके खिलाफ लिखित कार्रवाई कर दुकानों को बंद कर सील कर दिया गया। कई दुकानों पर तो भारी मात्रा में इंजेक्शन व खाली पड़ी बोतलें बरामद की गई। वहीं एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर तो अंदर एक बड़े हॉल में 5 बेड पड़े हुए, जिन पर 2 महिला मरीजों को बोतल चढ़ाई जा रही थी। उन महिला मरीजों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से बसरिया स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए पहुंचाया गया और झोला छाप डॉक्टर के अस्पताल का शटर बंद कर दिया गया। इटावा जनपद के डिप्टी CMO महेश चंद्रा ने बताया कि इन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से मरीज लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, फिर उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती और इसी कारण उसकी मौत हो जाती है। मामला ये है कि झोला छाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री के इलाज कर रहे हैं, जिसमें जो हुआ है कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई थी, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जा रही है, बिना जानकारी के इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से किसी की जान को भी खतरा हो सकता है। डेस्क में रखते हुए पहले से हम ये बंद करा दे रहे हैं, जैसी ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो किसी को, जनमानस को सुरक्षित रहे और किसी पढ़े डिग्री वाले डॉक्टर को ही दिखाए, जिससे उसका उपचार सही ढंग से हो और ऐसी कोई दिक्कत ना आए भविष्य में। अभी तक कितनी दुकानें सील कर दी? अभी तक हम 5-6 दुकानें सील कर चुके हैं और अभी और सील करेंगे, क्योंकि जब तक ये झोला छाप बंद नहीं होगा तब तक ये काम चलता रहेगा लगातार।